ओके ओके कैमरामैन जल्दी फोकस करो भैया। हे प्रभु हे प्रभु हे राम हे जगन्नाथ प्रेमानंद। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने शनिवार को जवाहर बाग में पौधरोपण किया और लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील कर रही थी। इस दौरान हेमा मालिनी का पेड़ लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसे ANI की तरफ से पोस्ट किया गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गड्ढे के चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं और हेमा मालिनी बीच में खड़ी। गड्ढे में पेड़ रखने के बाद हेमा मालिनी फावड़े से उसमें मिट्टी डालने लगती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाता है और लोगों ने इस पे तरह तरह के विचार साझा कर दिए हैं। गुरप्रीत गैरीवालिया नाम के एक सोशल मीडिया ने इस तरह की क्रियाकलाप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा सांसद हेमा मालिनी का यह वीडियो देख लिया आपने, मिट्टी डालते वक्त देखना बाकी कुछ नहीं। इस टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस पर सवाल उठाया है कि किस प्रकार से फावड़े से मिट्टी डाली जा रही है, और अन्य यूजर्स ने भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लिखी। आसिफ खान नाम के यूजर ने लिखा कि ड्रामेबाजी है। एक यूजर ने कहा कि कैसे कैसे लोग, नित्या नाम के यूजर लिखती हैं कि गजब ड्रामा। हरी सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि ये अपनी PR बढ़ा रही हैं और कुछ नहीं। एक यूजर ने लिखा कि पुलिस का काम अब यही रह गया है, पढ़ लिख कर चौकीदारी करो, नेताओं का नौकर बना रखा है। ऋषभ मीना नाम के यूजर लिखते हैं कि सब दिखावा है, पता नहीं चलता रहता। चिंतन नाम के यूजर ने लिखा कि थोड़ा हाथ पैर कपड़े गंदे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक पेड़ तो ही सही। जय मौर्य जी लिखते हैं कि बस सब शूटिंग और ड्रामेबाजी है। हेमा मालिनी की इस पहल ने लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है। पेड़ लगाने से न केवल पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है, बल्कि यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और सुंदर भारत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान। उन्होंने इस मौके पर लोगों से अपील की कि वे पेड़ लगाएं और पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में भागीदारी लें। फिलहाल दोस्तों, हेमा मालिनी के पेड़ लगाने के इस कृत्य पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।